Assalamualaikum viewers, क्या उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है, ठीक ठाक है। तो आज मैंने अपने बेटे को शलवार कमीज पहनाई है। आज मैंने अपने बेटे को ना शलवार कमीज पहनाई है क्योंकि जब सर्दियां थी तो नीचे इतना कुछ पहनाया जाता है। ये बैन लगा हुआ है ना इस पे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना बैन लगा हुआ तो इसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं है, तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा है क्योंकि फजर के टाइम ना बारिश हुई है हल्की हल्की सी, और रात को भी वैसे तो रात को ही हवा चलना लग गई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको ये शलवार कमीज पहनाते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। हाँ, और आज बेड से भी गिर गया है बेचारा। मैं इसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो मैंने ना इसको लिटाया है टॉवल लपेट के ना, तो मैंने कहा चलो इसको लिटाती हूँ तो फिर मैं कपड़े इसके रेडी कर लूं, तो पता ही नहीं चला ऐसे दड़ल करके नीचे। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। करार को मैंने दूध पिला दिया है और करार अभी थोड़ी देर खेलता रहेगा, तो साथ साथ मैं नाश्ता कर लूंगी। ये है जी मेरा नाश्ता। ये ना जो प्लेट में रात को खा रही थी तो ये थोड़ी सी बच गई थी, ये मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दी। मैंने कहा इसको ऐसे ही सुबह गर्म करके खा लूँगी। तो रात को ना रोटी एक बच गई थी, तो मैंने उसको ही अब ऑयल लगा लिया हल्का हल्का सा पानी लगा के, तो मैंने कहा चलो अब यही खा लेती हूँ, फिर नहीं तो पता पड़ी पड़ी वेस्ट हो जानी थी, तो मैं कहा नाश्ते में यही खा लेती हूँ। वैसे भी मुझे बड़ा मज़ा आता है रात की रोटी पड़ी हो या चाय व तंदूर की हो या वैसे ही आम जो घर में हम बनाते हैं जैसे कि ये। तो सुबह ना मैं जब शाल से पहले भी मैं ना ये आदत थी कि उसको पानी लगा के ना तो चाय के साथ खाती थी, नमक लगा के, बड़ा मज़ा आता था। ये आदत हमें हमारी दादी ने डाली है, कई स्वाब होता है और मज़ा भी आता है। तो ऐसी मुझे आदत पड़ी है कि मैं ना ज़ाया नहीं होने देती, चाहे बाज़ार से लाई हो रोटियाँ या घर में पड़े तो मैं फिर नाश्ते में वही खाती हूँ। और वैसे भी पता आपको कि जना वैसे भी सवाब मिलता है कि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। साहब जी आप क्या देख रहे हैं साहब जी? साहब जी मैं नाश्ता कर लूँ? साहब जी तो नाराज़ हो गए शायद। नाश्ता मैंने ख़त्म कर लिया है और आज फिर जो है ना ये चूल्हा बहुत गंदा हुआ हुआ है, कल मैं नहीं साफ कर सकी इसको। तो ना ये एक स्प्रे है, ये ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसे करते हैं ट्राई के होती है या नहीं। ये इस तरह से ना झाग सी तरह से गर्म है। पहले ये स्टैंड सारे उतार के ना इनको हम साइड पर रख लेते हैं और इसको लगा के छोड़ देंगे। चावलों के दाने गिरे हैं काल वाली। ऐसे ना लगी रहेगी थोड़ी देर के लिए, मतलब कितनी देर, 5 मिनट तक, फिर देखने। मैं कह रही पता नहीं क्यों केमिकल ना हो ना।
ये ना जब हाँ काफी दिन हो गए इसको लेके आए हुए, ऑनलाइन मंगवाई थी। और इसके ना इसके साथ ये देखें, ये ना ब्रश बना हुआ है इसके ढक्कन के साथ ही। इसके साथ ही इसको रगड़ते हैं तो ये साफ हो जाता है। किया भी था इसे ना तो ये बड़ा जमा हुआ था, कोई वो ना मतलब थोड़ा जल जाता है जो वो जो मेरे साफ करने से भी नहीं था उतरता तो, लेकिन ये इससे उतर गया था। अब ये जो ब्रश है इसकी मदद से ना इसको ऐसे 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 करने से जी। ये देखिए चूल्हा बिल्कुल साफ हो गया है। बस अब इस पे ना थोड़ा सा और गीला करके ना कपड़ा वो लगाती हूँ। तो वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है। टन 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 टन। अब करार साहब को क्या मसला है? क्यों नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ चलो ठीक है भाई, सो जाओगे तो फिर मैं सारे काम कर लूंगी। ठीक है चलो आप पहले आपको सुलाओ। चले जी करार को सुलाते हैं, उसके बाद बाकी बातें होंगी। लो जी करार साहब तो सो गए हैं, अब हम चलते हैं बाहर और अपने बाकी के काम ख़त्म करते हैं कि ये उठ ना जाए। करार बाबा उठ गए हैं और कलाल बाबा उठ गए हैं शो के। हाँ तो मैंने क्या किया है, इसके सोते सोते मैंने बर्तन धोए हैं, उसके बाद मैंने ना ये सारी डस्टिंग वगैरह की है झाड़ू लगा के, फिर मैंने इसको धोया है और साथ ही करार उठ गया है। अब इसको हम ना इस पे हम लगाएंगे वाइपर। ये सारी मिट्टी रात से पड़ी हुई थी ये सारा साफ किया है, तो अब मैं पहले इस पे वाइपर लगाऊं फिर बाद में करती हूँ कुछ और, क्योंकि ये इसका मूड कब खराब हो जाए कोई पता नहीं चलता। तो जी किचन भी साफ हो गया है और पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है मैंने, और साथ 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 ये भी सारा साफ हो गया, आज अच्छे से सफाई हो गई है शुक्र है। हाँ चलो जी अब करार उठे सोए जो मर्जी करे, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बस ये कपड़े ना करार के हाथ से धोने वाले कपड़े हैं दो तीन, बस ये सूट ये रह गए हैं बस अब, और बाकी सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और मौसम की जो सूरत हाल है वो ये है कि कभी धूप निकलती है और कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है अल्लाह का शुक्र है। जो पिछले दो तीन दिन गर्मी थी शदीद किस्म की थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है मौसम। तो उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि शाम तक बारिश हो जाएगी दोबारा से,
क्योंकि आसमान ऐसे बिल्कुल इतना साफ भी नहीं है, बादल बादल बन रहे हैं आसमान पे, हल्के हल्के बादल हैं अभी भी। तो इसके साथ ही जी आप मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आगे वाली बात को आपको पता ही है। चले फिर भी मैं कह देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक भी किया करें और वीडियो एंड तक देखा करें, और कहीं से कुछ आपको मेरी बात अच्छी ना लगे या कुछ भी ना तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो आइंदा मैं उस चीज़ का ख्याल रखूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।